फालतू में लॉन्ग ड्राइव पे जाना पड़ेगा। गाड़ी तेज चलाओ जी। ये क्यों? मैंने कच्चा गीला पहना हुआ, मेरे सूख जाएगा। और तेज चलाओ, और तेज चलाओ, तेज चलाओ। यू टर्न मारो। क्यों मारूं? अरे पीछे से भी गीला है तो मैं सुखाऊंगा ना। तो तुम उल्टा मुड़ जाओ ना। ये आइडिया मेरे दिमाग में आया नहीं। यू नो व्हाट, तुम्हारा आइडिया क्या भाड़ में? तुम मुझे असली गाड़ी चलाना सिखाओ वरना मैं जा रही हूं। अरे गुस्सा ही कर गई। आइए आप बैठिए, आइए बैठिए, इधर से बैठिए ना। आप क्या कर रही हैं? चलिए गाड़ी स्टार्ट करिए। चाबी दो। अच्छा, चोरी की गाड़ी की चाबी भी दे। ये गाड़ी चोरी की है? चोरी चोरी कंपनी का नाम है। ये इंपोर्टेड गाड़ी है ना, ये जापान की गाड़ी है। मेड इन चाइना लिखा है। मेड इन चाइना बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जापान। आपको पता है इसको आप जूड़े की पिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जूड़ा नहीं करती, मैं चोटी करती हूँ। क्या कर दी ना चोटी बात? तुम पता जूड़े में कितनी अच्छी लगती हो? मेरी माँ को जूड़े वाली लड़कियाँ पसंद है, मैं अपनी माँ को कैसे मनाऊंगा मैं? तुम्हारी माँ को क्यों मनाना है? तुम्हारी माँ को क्या, मैं जूड़ा करूँ चोटी करूँ? वाह, अभी गाड़ी में बैठी नहीं, इतनी अकड़ आ गई। सीख जाएगी तो तुम मार दोगी मेरे को। मेरी माँ की तुम्हारे साथ लड़ाई होगी तो तुम्हारे जूड़े से ही घसीटेगी ना। अच्छा, कोई मुझे हाथ लगा के दिखाए। खबरदार, मेरी माँ के साथ बदतमीजी की तो। मैंने तुम्हारी माँ के साथ कब बदतमीजी की? अब भाई ना लाइन पे। एक मिनट यार, तुम लड़कियां रूठती बढ़ाओ। सॉरी बेबी। बेबी? मैं तुम्हारी बेबी हूँ? मैं तुम्हारी कस्टमर हूँ, और कस्टमर भगवान होता है। माँ भी भगवान जैसी होती है, और माँ के लिए हर बच्चा बेबी होता है। और बेबी को भेष पसंद है। हेलो डैडी, ये आदमी पागल है, मुझे आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। हेलो डैडी, मेरे को ये बहुत पसंद है आप। मैं हाँ, डैडी को बीच में क्यों ला रही है? तुम पागल तो नहीं हो? और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ आता है। तुम ये बताओ, वो जो लाइनें लगी हुई हैं सामने व्हाइट वाली, इन्हें क्या कहते हैं? ये? हाँ, ये जब सड़क बुड्ढी हो जाती है ना तो व्हाइट व्हाइट आ जाते हैं उसके। इसे ज़ीब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ीब्रा क्रॉसिंग। जी विजय क्रॉसिंग। इतने सालों से देख रहा हूँ, आज तक कोई ज़ीब्रा नहीं निकला इधर से। चलो ट्रेनिंग शुरू करते। चलो चलो बाबा, ट्रेनिंग कैसे ट्रेनिंग शुरू करेंगे? इसमें तो ब्रेक ही नहीं है। ब्रेक नहीं है, एक्सीडेंट हो जाएगा। तुम फिल्म स्टार की बेटी हो? नहीं। तो स्ट्रगल करो, ब्रेक मिल जाएगा। आते ही ब्रेक चाहिए। अगर ब्रेक नहीं होगा ना तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। कुछ नहीं हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा 6 महीने जेल होगी। वैलेंटाइन से पहले बाहर आ जाओगी। मुझे जेल क्यों होगी? तुम देश के लिए जेल नहीं जा सकती? अरे देश बीच में कहां से आ गया? वाह, देश कहीं से नहीं आ गया, तुम देश के बीच में आती हो। देश तुम्हें गाड़ी देता है, चलाने के लिए सड़कें देता है, और तुम देश के लिए जेल नहीं जा सकती? अरे तुम पागल हो। मैंने क्या जुर्म किया है जो मैं जेल जाऊंगी? और वैसे भी इस गाड़ी में सीट बेल्ट भी नहीं है। देखो मैडम, हम अपने कस्टमर की सुरक्षा का खुद ख्याल रखते। अच्छा? आप गाड़ी चलाओ, सीट बेल्ट मैं आपको देता हूँ। चलो। हाँ, मत लगाना मुझे। पागल आदमी। अब मैडम आपको समझ नहीं रही है, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। आपको पता नहीं है गाड़ी उड़ते वक्त सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है? अच्छा, ये गाड़ी उड़ती है? मैं आपको रनवे पे सिखाऊंगा ना, बड़े बड़े जहाज उड़ जाते हैं, गाड़ी का कैसे। और सुनो, इनकेस आपातकालीन स्थिति में हम पानी में उतरने ना, तो ये जो नीचे टायर लगे हुए ना, एक अपने गले में डाल लेना, एक मेरे गले में, ठीक है? एक काम करो, तुम गाड़ी चलाओ, मुझे नहीं सीखनी। तुम यार चलती गाड़ी से उतरेगी पागल। तुम गाड़ी खुद ही सीखो, अपनी गाड़ी अपने पास रखो। मेरा पहला प्यार रूठ गया मेरा। अच्छा यार मत रो, आ गई मैं वापस। पर तुम्हें भी तो थोड़ा तो ध्यान होना चाहिए ना, सिक्योरिटी का, सेफ्टी का। बंदा कुछ तो सोचता है। उसकी चिंता ना करो, हम हर शनिवार नींबू मिर्ची लगाते हैं। नींबू मिर्ची से क्या होता है? अब मैडम हिंदुस्तान में ना गाड़ियां पेट्रोल डीजल पुलिस के भरोसे कम चलती है, नींबू मिर्ची के बहाने ज्यादा चलती है, आपको पता है। अब अपना हाथ दिखाओ मेरे को, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे आप इतना डर रही हैं, कुछ नहीं होगा आपको, आपकी लाइफ लाइन ही बड़ी लंबी है। अच्छा, 4 बच्चे हैं आपकी किस्मत में। अच्छा, 4 हो, 8 हो, तुम्हें क्या? क्यों, स्कूल की फीस तो मेरे को ही देनी पड़ेगी ना। मेरे बच्चों की स्कूल की फीस तुम क्यों दोगे? तुम्हें पता है बहुत हो गया, अब मैं पुलिस बुलाऊंगी। पुलिस को नहीं बुलाते, पागल पंडित को बुलाते, इंडियन कल्चर का पता ही कुछ नहीं। मैं संभाल लूंगा, तुम आओ गाड़ी बैठते हैं। आओ गाड़ी पे ध्यान दीजिए आप, आइए। मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी, इस गाड़ी में कोई गियर भी नहीं है। क्यों नहीं गियर, ये क्या है? ये हॉकी है। आई वॉन्ट टू प्रमोट हॉकी। अरे लेकिन हॉकी से गाड़ी नहीं चलती। बिल्कुल ठीक कहा मैडम, हॉकी से तो आजकल घर नहीं चल रहे। ये लो फिर, ये लो, इससे चलाओ।
इससे तो बड़ों बड़ों की कारें चल रही हैं, पूछ लो सिद्धू साहब के पास 9 गाड़ियां हैं, इसी से ली। यही बैट उठाकर तुम्हारे सर पे मारकर तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। गाड़ी चलाना सिखाना है या नहीं? एक मिनट, आप तो गुस्सा कर गई। एक मिनट, आंखें बंद करो, 2 मिनट बंद करो यार, सिखा रहा हूं ना। क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो। क्या क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? देखो हमारी ऐसे दोस्ती, हमारी रिलेशनशिप में बदल गई। कल को पार्टी वार्टी में जाएंगे, लोग कहेंगे लड़का लड़की डांस करो, तो मुझे चेक भी तो करना, तुम्हें डांस करना आता कि नहीं? मुझे डांस करना आता है। तो फिर थोड़ा सा दिखाओ वेस्टर्न शकीरा वाला बक्का बक्का। मुझे जूडो कराटे भी करना आता है, करके दिखाऊं? वाह, हेलो माँ, तेरी बहू को जूडो कराटे भी आते हैं? हाँ तू ध्यान से रहना, इसको जूडो वूडो मत बोलना, इधर कराटा मारेगी। हेलो माँ पूछ रही है कुकिंग आती है? तो मैं कर दो। ये कैसा बेटा पैदा किया है आपने? देखो 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 माँ, मैंने तुझे कहा था ना सारी दुनिया नाच करेगी, सारी दुनिया पूछ रही कैसा बेटा पैदा किया है, पोता भी बड़ा अच्छा पैदा। डैडी डैडी मैं आ रही हूँ। डैडी मैं भी आ रहा हूँ। डैडी आप पुलिस बुलाइए। डैडी इधर है, ये मम्मी है। हेलो मम्मी, होल्ड करो, क्या हो गया? देखो अब मैं पुलिस बुला लूंगी, बहुत हो चुका है तुम्हारा। पुलिस बुला ही नहीं सकते, पापा मम्मी पुलिस नहीं बुला सकते कभी भी। आपने गाना नहीं सुना, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी को करो। ओह माय गॉड, एक्चुअली मुझे पक्का विश्वास हो गया, पूरा विश्वास हो गया, तुम पागल हो, तुम पागल हो। यस, आजकल के दौर में कोई इंसान हंस खेल के बात कर ले ना दो पल, तो उसको लोग पागल ही कहते हैं मैम। किसी इंसान ने क्या कहा है कि वक्त पे खोल लिया होता अगर दिल यारों के साथ, आज खोलना ना पड़ता हॉस्पिटल में औजारों के साथ। तुम शायरी भी कर लेते हो और क्या क्या कर लेते हो? मैं नाश्ता कर लेता हूँ, मैं लंच कर लेता हूँ, डिनर पे मैं लेट आऊंगा। मेरे को एक बार बताओ, मेरे को बाथरूम जाना है, बताओ कहाँ से खुलता है ये? तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम ये स्कूल बंद करो, तुम्हारा बहुत हो गया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मेरे होते हुए मेरे इलाके में ये कौन है जो लड़की छेड़ रहा है? सिद्धू साहब वापस हो जा, वापस हो जा। हेलो, ये मुझे छेड़ रहे हैं। ओ, तो सीधी तरह बताओ, थाने चलना है या पैसे दे के यही रफा दफा करना है? आपको शर्म नहीं आती सबके सामने रिश्वत मांग रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि कभी भी कोई भी काम पीठ पीछे नहीं करना। जल्दी बता क्या करना है, वरना मार मार के तरह पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। आपने खुद ही तो कहा आपकी माँ कहती पीठ के पीछे कुछ नहीं करना, तो फिर क्यों कर रहे हो? ओके, ये बताओ ये गाड़ी किसके नाम पे है? इनके नाम पे। ये जूठी चलते कट्टी तेरे साथ, मैंने कब कहा मेरी गाड़ी है? हेलो, तुमने मुझे कहा था ये गाड़ी तुम्हारी है। एक बार कहा मैंने, मैंने 20 बार कह दिया तुम मेरी, तुम मेरी, तुम मेरी हो जाओगी। मैं 2 मिनट में कहूंगा कि हॉलदार मेरा है, तो हो जाएगा क्या? ओए, मैं थानेदार हूँ। देखो मैडम, किसी बुजुर्ग ने कहा है दुनिया में कुछ नहीं लेके जाएंगे, खाली हाथ आएंगे, खाली हाथ जाएंगे। कभी कभी मुझे लगता है तुम लोग हवा लात जाएंगे। हाँ, और वहां डंडे भी खाएंगे। मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। ये क्या बकवास है यार। मुझे लगा कभी से मिलन चल रहा है, मैं 4 लाइनें पेश करता हूँ, दाद चाहूंगा। तो मैंने तेरी दाद ही लाल कर देनी है। गाड़ी के पेपर दिखा। पेपर वो हमारे पड़ोसी ले गए। हैं? हमारे पड़ोसी कभी अपना पेपर नहीं मंगवाते, हमारा पेपर मांग के ले जाते हैं। लेकिन पेपर पढ़ना बहुत जनरल नॉलेज के लिए अच्छा होता है। आजकल की लड़कियां मेकअप करके घूमती हैं, इनको पता ही कुछ नहीं। बताओ भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। पप्पू चंचल काट आगे से, नरेंद्र चंचल काट, नरेंद्र मोदी लिख। ये हो क्या रहा है? मेरे भतीजे का एग्जाम हो रहा है, तो उसको लिखवा रहा था मैं। तो तुम अपने भतीजे को चीटिंग करवा रहे थे? नहीं, इट्स इको फ्रेंडली चीटिंग, इट्स नथिंग हार्मफुल टू हेल्थ। मुझे लगता है तुम्हारा सारा परिवार ही चीटिंग करके पास हुआ है। एक्सक्यूज मी, मैं जो कुछ हूँ आज आपकी मेहनत से हूँ। तुम्हारी मेहनत? अच्छा ये बताओ कि भारत में कितने राज्य हैं? राज्य जितने भी हो, देश का प्रधानमंत्री एक है, सिद्धू जी एक है, सोनी एक है, भारत माता की जय। मैंने तुम्हें मारना है, और मैं यहाँ पर तुम दोनों का टेस्ट लेने आया हूँ। मैं इंस्पेक्टर हूँ। सीधा लाइसेंस दिखाओ। ये लो, ये तो 2-व्हीलर का लाइसेंस है। तो इसके अंदर इंजन भी 2-व्हीलर का लगा हुआ है ना? गाड़ी के अंदर 2-व्हीलर का इंजन कौन लगवाता है? हमें भी कोई शौक नहीं।
हमारे ताऊ जी बीमार थे पता है, उनकी किडनी खराब हो गई, हमने इसका इंजन निकाल के बेच के हमने स्कूटी ले ली। क्या, तुम्हारे ताऊ जी बीमार थे और तुमने स्कूटी ले ली? जी, क्योंकि मेरे ताऊ जी हमेशा कहते हैं जो आएगा वो जाएगा और जो जाएगा वो आएगा। मैंने कहा स्कूटी ले लेते, जो भी आएगा जाएगा, जल्दी आएगा जाएगा। कुछ भी बोलता है तू, कुछ भी बोलता है। इतने जवाब मैंने स्कूल में दिए होना था ना, आज मैं कमिश्नर होता। शट अप, कमिश्नर को शट अप बोलता है। यू आर सस्पेंड। और तू कमिश्नर नहीं है। एक मिनट, मुझे तुम पे शक हो रहा है, गाड़ी की तलाशी लेनी पड़ेगी। खबरदार, मेरी गाड़ी की तलाशी लेने से पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। गाड़ी है सिर्फ, लेने दे तलाशी। गाड़ी होगी आपके लिए, मैंने बीवी की तरह पाली है ये। अगर आपकी बीवी की कोई तलाशी लेता हो। एक मिनट, चुपचाप डिक्की खोलो। चुपचाप खुली नहीं सकती, आवाज करती है। चुप, इधर आओ, इधर आओ तुम दोनों। हेलो, पुलिस वाले को डांटती हो? शट अप, मुझे पता है तुम दोनों पागल हो। तुम होती कौन हो मैं पागल कहने वाली? डॉक्टर सुधा। लेकिन मैं पागल नहीं हूं। अच्छा। सारे पागल यही कहते हैं कि वो पागल नहीं है। नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। तो कौन है तू फिर? मैं तो कॉमेडियन हूँ। ये पक्का पागल है। ए, इसको मार।